हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आज हम सीखते हैं 12 खड़ी। मात्राएं का ज्ञान। मात्राएं स्वर से बनती हैं। जब व्यंजन पर स्वर की मात्रा को लगाया जाता है तब 12 खड़ी का निर्माण होता है। इस वीडियो में हम देखेंगे हर एक स्वर वर्ण की चिन्ह पहचान और उसकी ध्वनि को समझते हैं। अ, अ का कोई चिन्ह नहीं है, यह अमात्रिक है, परंतु हर एक व्यंजन में अ की ध्वनि सुनाई देती है, जैसे क, ख, प, म। हर एक व्यंजन के अंत में अ की ध्वनि सुनाई देती है। नेक्स्ट आ। इस मात्रा को एक लाइन व डंडे की तरह लगाते हैं और इसके उच्चारण आ करते हैं। बच्चों, आप सब जानते होंगे, जब डंडा किसी के पीछे लगता है तो मुख से आ की आवाज आती है। वैसे ही किसी व्यंजन के पीछे आ की मात्रा लगता है तो उसकी आवाज आ आती है। जैसे आप देख सकते हैं, का, खा, गा, घा। ये है छोटी ई। छोटी ई की मात्रा की आवाज ई ई आती है और इसका चिन्ह एक लाइन और टोपी की तरह होती है। और इस मात्रा को हम व्यंजन के पहले लगाते हैं क्योंकि यह छोटी है। और याद रखें, आप छोटी ई की मात्रा हमेशा व्यंजन के पहले लगती है, पहले खड़ी होती है। वैसे ही आप छोटी ई की मात्रा लगाकर अभी हम कुछ व्यंजन को पढ़ते हैं। की, खी, गी, घी। ये है बड़ी ई की मात्रा, ई, ई। और आप सब जानते हैं, बड़ी हमेशा पीछे खड़ी होती है, तो यह भी व्यंजन के पीछे लगाई जाती है और इसकी आवाज ई। क में बड़ी की मात्रा लगी तो इसकी आवाज कैसे आएगी? की, खी, गी, घी। छोटी ऊ की मात्रा नीचे लगाई जाती है, उ, उ, इसकी आवाज उ आती है, जैसे कु, खु, गु, घु। अब यह है बड़ी ऊ की मात्रा। बड़ी ऊ की मात्रा का चिन्ह ये भी नीचे लगाई जाती है और इसकी उच्चारण ऊ होती है, लंबी होती है, ऊ, जैसे कू, खू, गू, घू। ये री की मात्रा, री, इसके उच्चारण री है और जब हम ये किसी व्यंजन में लगाते हैं इसके उच्चारण री होती है। क्री, ख्री, ग्री, घ्री। ए की मात्रा, ये है ए की मात्रा, ए, ऊपर एक चोटी की तरह होती है और जब ये व्यंजन में लगती है तो इसकी आवाज कैसे आती है? के, खे, गे, घे।
अब हम देखते हैं ए की मात्रा। ये है ए की मात्रा, दो चोटी, और इसकी उच्चारण ए। क में ए की मात्रा लगाई तो इसकी आवाज कैसे बदल जाती है? कै, खै, गै, घै। अब यह है ओ, और इसकी मात्रा एक लाइन और ऊपर एक चोटी। ओ, को, खो, गो, घो। औ की मात्रा औ, और इसमें एक लाइन और ऊपर दो चोटी होती है। औ, कौ, खौ, गौ, घौ। ये है अंग, और इसकी मात्रा जस्ट ऊपर एक बिंदी की जैसे होती है। अंग, कंग, खंग, गंग, घंग। अह, इसकी मात्रा साइड में दो डॉट के जैसे लगाई जाती है और इसके उच्चारण अह करते हैं। कह, खह, गह, घह, ऐसे आती है। ये थी स्वर्ण और उसकी चिन्ह। जब वो व्यंजन में लगती है तो हम किस तरह से चिन्ह का प्रयोग करते हैं और उसकी उच्चारण कैसे की जाती है। अगर आप मात्रा और उसकी ध्वनि को पहचान लेते हो तो आप पढ़ना और लिखना आसानी से सीख सकते हो। अब हम कुछ व्यंजन को 12 खड़ी लगाकर उसकी उच्चारण करने का अभ्यास करेंगे। क, का, कि, की, कु, कू, क्री, के, कै, को, कौ, कं, कह। ख, खा, खि, खी, खु, खू, ख्री, खे, खाई, खो, खाओ, खंग, खह। चलिए कुछ और पढ़कर अभ्यास करते हैं। च, च, चा, चि, ची, चु, चू, च्री, चे, चै, चो, चौ, चं, चह। अब हम देखते हैं र में 12 खड़ी कैसे लगाई जाती है, क्योंकि र में कुछ मात्रा अलग ढंग से लगाई जाती है, तो आप इसे ध्यान से देखिए। र, रा, रि, री, रु, रू, री, रे, राय, रो, रव, रंग, रह। आप भी अलग अलग व्यंजन में 12 खड़ी लगाकर पढ़ने का अभ्यास कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मेनी मोर सच अपकमिंग वीडियोस। फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक्स अ लॉट।